अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज हम मसाले वाले आलू बनाएंगे कलौंजी डाल के, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। और मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आलू है आधा किलो, चार टमाटोज हैं मीडियम साइज के, दो प्याज हैं बारीक कटे हुए, धनिया हरी मिर्चे और अदरक है बारीक कटा हुआ गार्निश के लिए, और ये एक कप ऑयल है, एक टेबलस्पून अदरक, एक टेबलस्पून लहसुन, थ्री टेबलस्पून दही है और एक टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करना है। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको जब बना रहे होंगे उस वक्त रेशो इनकी बताती जाऊंगी, साथ साथ बनाते जाएंगे, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम आलू के छिलके उतार लेते हैं। अब इसे नाइसली एक जैसे स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। एक पैन लेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे, कटी हुई प्याज इसमें ऐड करते हैं। ये मीडियम फ्लेम पे हमने लाइट ब्राउन करनी है। प्याज हो चुकी है ब्राउन, अब इसमें एक टेबलस्पून डालेंगे अदरक, एक टेबलस्पून लहसुन कुटा हुआ, टमाटोज बारीक कटे हुए तीन से चार, नमक एक टेबलस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, जीरा वन टी स्पून, कलवंजी वन टी स्पून, रेड चिली पाउडर वन टेबल स्पून, गरम मसाला वन टी स्पून पिसा हुआ, दालचीनी का टुकड़ा दो इंच का, लाल साबुत मिर्च चार से पांच, दही तीन से चार टेबलस्पून, अब हम इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे, दही और टमाटोज के ही दम से ये गल जाएगा। चार मिनट के बाद हम दम लगाया था, चार मिनट के बाद ये देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे पोटैटोज आधा किलो, पानी ऐड कर देते हैं आधे से पौना ग्लास, अब जैसे ही इसमें बबल्स आना शुरू हो, ये उबलना शुरू हो जाए, तो हम इसको बहुत ही स्लो आंच पे दम लगा देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। ये जी 12 मिनट हो चुके हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं। एक और चेक कर लेते हैं, परफेक्ट। अब हम इसे करते हैं डिश आउट।
मेरी रेसिपी अच्छी लगे आपको तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और न्यू वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।